दिल्ली की हवा में धूल और धुआं है, डॉक्टर इसे मेडिकल इमरजेंसी बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली की हवा जुड़ती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के खेतों से, किसानों से। खेतों में पराली जलाने का धुआं दिल्ली की हवा में है, इसलिए जरूरी है कि किसानों को विकल्प मिले ताकि वो खेतों में आग न लगाएं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि किसानों को मदद चाहिए ताकि वो भागीदार बने हवा को साफ रखने में, लेकिन कई आर्थिक परेशानियों ने उन्हें भी असमंजस में डाला हुआ है। पराली जलाने पर हरियाणा के किसानों पर जुर्माना और एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जमीन पर यह कार्रवाई हो रही है। जिससे पराली जलाने की घटनाएं तो कम हुई हैं, लेकिन इससे आबोहवा और वातावरण पर कुछ असर हुआ है लगता नहीं है। हवा पिछले सालों की तरह ही जहरीली है। हरियाणा सरकार का दावा है कि पराली के लिए किसानों को अनुदान पर मशीनें मुहैया करवाई गई हैं, लेकिन इस आर्थिक सहायता के बावजूद मशीनें महंगी ही रही हैं। इतनी महंगी हैं कि इन्हें सरकार के अनुदान के बाद भी खेत में चलाना आसान नहीं। सरकार व्यक्तिगत खरीद पर 50% अनुदान की राशि देती है, और अगर कुछ किसान मिलकर मशीनें खरीदें तो किसानों को 80% अनुदान मिलता है, जो पिछले 2 सालों से ये अनुदान बंद हो चुका है, जिसकी वजह से किसान मशीन खरीदने से कतरा रहे हैं। मशीन का रेट है ज़्यादा, मशीन तो छोटे जिमींदार उस मशीन को मतलब ले नहीं पा रहे जी। 15 से लेकर 20 लाख की आती है मशीन, तो उसके जो और साथ में इम्प्लीमेंट है ना, उन पे नहीं सब्सिडी दे रहे जी। अभी 2 साल से कस्टमरिंग सेंटर पे जो 80% सब्सिडी दिए गए पहले, वो अब 2 साल से बंद है। वो कस्टमरिंग सेंटर पे अभी सब्सिडी नहीं दे रही, इसलिए हमारे जिला में 373 एप्लीकेशन आई थी, लेकिन लगभग 125 ही किसान खरीद पाए। तो उन्हीं किसानों का कहना है भाई ये मशीनरी बहुत महंगी है। आर्थिक मजबूरी के कारण अब उन गांवों में भी पराली जलाई जा रही है जो पिछले साल तक ग्रीन जोन में आते थे, वो अब येलो जोन बन गए हैं। जो हमारा टारगेट है वो पहले रेड और येलो जोन को ही एग्जॉस्ट करके, अगर उसमें मतलब अगर बच जाता है तो ग्रीन जोन में देना होता है, लेकिन हमारा जो टारगेट है अब की बार वो रेड और येलो जोन में ही खत्म हो गया। कैथल जिले के किसान तरसेम सिंह को विभाग के अधिकारियों ने मौके पर आग लगाते हुए पकड़ा। तरसेम सिंह माफी के लिए विनती करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने एक न सुनी और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने पराली प्रबंध के लिए मशीन को खेत पर चलवाया था, लेकिन मशीन ने ठीक तरीके से काम नहीं किया, जिसके कारण पराली अवशेष खेत में ही रह गए थे। देखो अब कल आपके सामने फाइन हुआ है जी। फाइन किस लिए बात को लेके हुआ? बंडल बना के ले गए हैं, उसके बाद ये जो डेरी मैंने लगाई है ये मजदूरों से, आप बैक साइड में दिखाओगे तो इसको आग लगा रहे थे। चलो डीसी साहब मौके पे थे, आ गए थे तो फाइन किया। किसान है, क्या कर सकते हैं, फाइन भी देंगे। वहीं प्रबंधन करने वाले किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन पराली प्रबंध करने की चाह रखने वाले किसानों को ना मशीन मिल रही है ना ही प्रोत्साहन राशि। जबकि जिला प्रशासन का दावा है कि जिले में लगभग 16 करोड़ रुपए किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जा चुके हैं। 25 अक्टूबर के बाद से गेहूं और सब्जियां बोने का मौसम शुरू हो जाता है। किसानों को जमीन सूखने की चिंता होती है। धान की कटाई और गेहूं की बिजाई के बीच कम अंतराल होने के कारण किसान खेतों में आग लगाना अपनी मजबूरी बता रहे हैं। कैथल से सुनील रवीश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हरियाणा के गांव-गांव में जिला प्रशासन लंबे काफिले के साथ फ्लैग मार्च कर रही है ताकि लोगों में ये जागरूकता फैले कि इस वक्त सांसों को लेकर आपातकाल है। साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि जो भी किसान पराली जलाएंगे उनकी तस्वीर सोशल मीडिया और ग्राम सभाओं में लगाई जाएगी और कृषि विभाग से मिलने वाली सब्सिडी पर भी रोक लगा दी जाएगी।